आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि मेरी हर नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर इजी किचन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम बचे हुए तरबूज के छिलके से एक बहुत टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसे हम टूटी फ्रूटी कहते हैं। बाहर से भी, बाज़ार से हम हमेशा लेते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और केक में, शेक में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास तरबूज के ये टुकड़े हैं जो बच गए हैं। ये देखिए, इस तरह के हम ये फेंक देते हैं बहुतों बार। तो फ्रेंड्स, इसको ना फेंक कर आप इसे बहुत टेस्टी टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। तो देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये वाला जो इसकी हरी वाली परत है, इसे साइड में हटाना है। तो एक चाकू की मदद से हम इसे हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक चाकू ले लीजिए और इसकी मदद से आपको इसकी जो ये हरी वाली परत है, ये बिल्कुल धीरे धीरे हटा लेनी है इस तरह से। और अगर आगे भी थोड़ी सी ये लाल परत होगी तो ये भी आप उसको हटा लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी वाइट वाली परत चाहिए। तो इस तरह से मैं इसे हटा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमें इस तरह से बिल्कुल ये परत हटा लेनी है। अगर कोई रेड वाली परत भी है इसके ऊपर तो आप उसे भी थोड़ा थोड़ा सा हटा लीजिए, क्योंकि हमें पूरी तरह से ये वाइट वाली परत चाहिए। और इसके बाद हम इसके बारीक से टुकड़े कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं हमें, बिल्कुल बारीक बारीक टूटी फ्रूटी के टुकड़े जैसे होते हैं बारीक बारीक से, हम उसी तरह से हमें करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के हमें टुकड़े ये पूरे तरबूज के कर लेने हैं। आपके पास जितने भी छिलके हों आप उन सभी के बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी जो तरबूज के छिलके थे उनके इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। बिल्कुल बारीक पीसेस में मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब मैं जब ये टुकड़े कर रही थी तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था गैस पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक बड़े से पतीले में मैंने 2 लोटे जितना पानी गर्म करने के लिए रखा है। अब हम इस पानी में जो है ये पूरी फ्रूटी के जो टुकड़े हैं इन्हें डाल देंगे। तो पानी बिल्कुल उबला हुआ होना चाहिए, क्योंकि गैस की फ्लेम मैंने बड़ी रखी है और आप देख सकते हैं कि पानी जो है उबल रहा है। तो हमें पानी इसी तरह का चाहिए, बिल्कुल उबला हुआ पानी चाहिए। तो इसमें हम ये पूरे फ्रूटी के जो टुकड़े हैं ये डाल देंगे। अब इस पानी में हमें इन टुकड़ों को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है। बस बशर्ते आप गैस को फुल रखिएगा, गैस को बिल्कुल भी लो नहीं रखना है, गैस को हमें फुल रखना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छे से उबाल आ गया है और अब हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहिएगा बीच बीच में, और इन टुकड़ों को जो है आपको अच्छे से उबाल लेना है जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो जाते। कम से कम 7 से 10 मिनट लग जाएंगे ट्रांसफ़र होने में। तो हम इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5-7 मिनट के बाद कुछ इस तरह से ये लग रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 5-7 मिनट हो चुके हैं और अब हम गैस की फ्लेम को जो है बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक खाली पतीला ले लिया है और इसके ऊपर हम इस तरह से एक छन्नी रख लेंगे, और छन्नी के ऊपर हम इस पूरे टुकड़ों का जो पानी था इसको ड्रेन आउट करेंगे। तो यहाँ पर छन्नी है और हम बिल्कुल धीरे धीरे से पानी इसके अंदर डालते रहेंगे। और इस तरह से ये पूरे जो टुकड़े हैं इनको हम पानी से अलग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये पानी से बिल्कुल अलग कर लेने हैं। और फ्रेंड्स, अब फिर से एक बार मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में हम एक बॉल जितनी शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है शक्कर का, एक बॉल जितनी शक्कर मैंने इसमें डाल ली है। और अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाल लेंगे। तो यहाँ पर
एक गिलास जितना पानी है और आधा ग्लास मैं इसमें और डाल लूँगी, मतलब मैंने पूरा 1.5 ग्लास पानी इसमें डाला है। अब हम शक्कर को घुलने तक का इंतज़ार करते हैं। तो गैस की फ्लेम को आप फुल रखिएगा और इस तरह से आपको चलाते हुए शक्कर को इस पूरे पानी में जो है आपको घोल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी में शक्कर जो है ये पूरी तरह से घुल चुकी है और हल्का सा उबाल भी आने लगा है पानी में। तो अब फिर से एक बार उन टुकड़ों को हम इस शुगर सिरप में डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक बार उन्हीं टुकड़ों को मैंने इन शुगर सिरप में डाला है और अभी आपको फिर से एक बार गैस को फुल रखना है बिल्कुल, और फुल गैस पर ही आपको इसे फिर से एक बार 10 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देना है। जब तक कि इसका जो शुगर सिरप है ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद मैंने इसे बंद कर लिया है और ये इस तरह से हो चुका है। थोड़ा सा इसका जो शुगर सिरप है ये भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब आपको जितने भी कलर्स में इसे बनाना है आप उतने कलर्स या बाउल में इसे निकाल लीजिए, मतलब आपको जितने भी कलर इसमें रखने हैं 3-4 आप जितने भी चाहें तो उतने आप कटोरी या बाउल में इसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं इसे 4 कलर्स में बना रही हूँ तो मैंने 4 कटोरी में इसे निकाल कर रख लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे निकाला है और अब हम इसमें कलर मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पाउडर कलर है या लिक्विड कलर है, खाने वाला कलर, तो आप वो इसमें मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अभी मेरे पास पाउडर कलर है तो मैं इसमें पाउडर कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं कर रही हूँ इसमें रेड कलर, तो रेड कलर को भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रेड कलर है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा सा कलर मिक्स करना है हमें। इसके बाद हम कर लेंगे ऑरेंज कलर, आपके पास और भी कलर हो तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर को भी मैं मिक्स कर रही हूँ। और एक जो है ये मैं वाइट ही रखूँगी, तो एक कलर को मैं इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करने वाली हूँ, इसे मैं पूरी तरह से वाइट रखने वाली हूँ। अब कलर्स को जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे, तो आप अच्छे से चम्मच से हिला लीजिए जिससे कि ये फ्रूटी में अच्छे से मिक्स हो जाए। रेड कलर को भी हम इसी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सभी कलर्स को मिक्स कर लिया है। तो 4 कलर्स हैं, मैंने यहाँ पर सभी कलर्स मिक्स कर लिए हैं और एक कलर को मैंने वाइट ही रखा है तो इसे मैं वाइट में ही रखने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये कलर मिक्स कर लेने हैं और इसे कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। तो 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसी तरह से इसे रख लेंगे और उसके बाद हम इसे बाहर निकाल कर सुखाने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे अब चाशनी में रहे 2 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फूल गया है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए कि पूरा अच्छी तरह से ये चेरी जो है, टूटी फ्रूटी जो है हमारी, ये फूल चुकी है। तो अब हम इसको एक कपड़े पे डाल देंगे कुछ देर के लिए सूखने के लिए। अगर आपके पास पेपर हो तो आप पेपर पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक थाली ली है मैंने और थाली में मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है आप, और फिर इसे इसके ऊपर डाल देना है। अब फ्रेंड्स, ग्रीन वाले मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, अब रेड वाले भी हम इसके साइड में डाल लेंगे। तो ये रेड वाली टूटी फ्रूटी है, इसे भी मैं इसके साइड में डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक कपड़े पे ये सभी फ्रूटी टूटी फ्रूटी जो है बिछा ली है और अब मैं इसको फ़ैन के नीचे रखूँगी 1/2 घंटे के लिए, और अगर आप धूप में रख रहे हैं तो थोड़ा सा कम टाइम के लिए रखनी। तो फ़ैन के लिए मैं 1/2 घंटे के लिए मैं इसे सूखने के लिए रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी टूटी फ्रूटी जो है वो अच्छी तरह से सूख गई है और सूखने के बाद ये बहुत ही प्यारी लग रही है। कलर भी इसके सभी बिल्कुल ब्राइट लग रहे हैं और जिसे हमने कलर नहीं दिया है वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं वाइट में। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मुझे जो आप इंपॉर्टेंट टाइम हमेशा देते रहते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।